जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बहुत ही जल्द दोगुना बढ़ाना चाहता है और चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है। और यही नहीं दोस्तों, चीन अब अन्य देशों में भी अपने सैन्य ठिकाने बढ़ाने जा रहा है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर इसके पीछे चीन की क्या मंशा है? साथ ही दोस्तों, क्या अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है चीन? और आखिर क्यों चीन अपने परमाणु जखीरे को दोगुना करना चाह रहा है और क्यों अपनी मिसाइल सिस्टम को लगातार बढ़ा रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही निकल के ये बात आई थी कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने पर काम शुरू कर दिया है। और यही नहीं, वह अपने दूसरे देशों में सैन्य ठिकाने भी बढ़ा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को निशाना बनाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। चीनी सेना के सालाना रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई है कि चीन वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए ऐसा कर रहा है। और दोस्तों, ये पेंटागन की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में झड़प के साथ भारत की उसका सैन्य तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका भी भारत की सीमा पर चीनी हरकतों को बारीकी से देख रहा है। बहरहाल दोस्तों, पेंटागन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत के तीन पड़ोसी देशों समेत करीब एक दर्जन से ज्यादा देशों में चीन ठिकाना बनाना चाहता है और ये वो इसलिए चाहता है ताकि वह लंबी दूरी से अपना सैन्य दबदबा बनाए रख सके। और दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने पर विचार कर रहा है। और ये सैन्य ठिकाने दोस्तों जिबूती में चीनी सैन्य ठिकाने के अलावा है, जिसका उद्देश्य नौसेना, वायुसेना और जमीनी बल की कार्यों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। और ऐसे में दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य अड्डों का नेटवर्क अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशनों में हस्तक्षेप करना भी हो सकता है और चीन के वैश्विक सैन्य उद्देश्यों के तहत अमेरिका के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशनों का समर्थन कर सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, पहले से ही नामीबिया, वनुआटू और सोलोमन द्वीपों पर अपना कब्जा जमा लिया है। और दोस्तों, वहीं पेंटागन का कहना है कि बीजिंग अपने इसी रणनीति के तहत बेल्ट एंड रोड बीआरओ का सहारा ले रहा है। साथ ही बता दें कि पीएलए के पास अभी करीब 200 हथियार हैं, लेकिन आने वाले समय में जमीन पनडुब्बियों और हवाई बॉम्बर से दागे जाने वाली मिसाइलों के जखीरे में वह इजाफा कर सकता है। अभी इसके पास परमाणु वाहक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिसका विकास चीन कर रहा है। और वहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि 10 साल में चीन अपनी परमाणु ताकत का विस्तार करेगा और अपने हथियारों को करीब दोगुना कर लेगा। चीन के परमाणु हथियारों में बड़ी संख्या में सिलों पर आधारित मिसाइलें और रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, साथ ही हाईटेक हथियारों वाली मिसाइलें और अल्ट्रा स्पीड हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल भी चीन के पास हैं। इनके अलावा थिएटर रेंज परमाणु हथियार भी हैं, जो अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टक्कर दे सकते हैं। वही दोस्तों, माना जा रहा है कि चीन का परमाणु विकास जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, चीन ने 400 परमाणु हथियार हासिल करने के लिए नई प्रक्रिया समाधान और क्षमता का इस्तेमाल शुरू किया है। इसलिए यह अहम है कि उसका नतीजा क्या होगा, बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के एक विशेषज्ञ का मानना है कि चीन के पास अपने परमाणु हथियारों को दशक के अंत तक दोगुना करने के लिए भारी भरकम मटेरियल उपलब्ध है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2019 में चीन ने पहली बार H6N बॉम्बर को परमाणु क्षमता बॉम्बर बताया था और ये परमाणु क्षमता बॉम्बर हवा से हवा में बॉम्बर को रिफ्यूल भी कर सकता है। बाकी दोस्तों, अब ये मानना है कि भारत को भी अपनी परमाणु क्षमता में विस्तार करना चाहिए और बहुत ही तेजी से करना चाहिए, बल्कि डबल स्पीड से करना चाहिए ताकि वो चीन के सामने खड़ा हो सके। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।